आज से वीडियो छोड़ रहे हैं हम, देख लेना क्या आज से वीडियो छोड़ रहे हैं हम, देख लेना पुलाव बना रहे हैं तो सादा पुलाव बनाएंगे, ज्यादा कुछ ही नहीं है। और मम्मी बताएंगी आज मेरा दाढ़ी कैसा लग रहा है मम्मी। YouTube फैमिली आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो मम्मी बताएंगी आज मेरा दाढ़ी कैसा लग रहा है मम्मी। लग रहा है कि जो पेंपर का बंद रहता है वो सही ऐसा लग रहा है इसका। नहीं गाइस आप लोग कमेंट कीजिए दाढ़ी कैसा लग रहा है। और छोड़िए दाढ़ी का, आप लोगों को बता दें कि आज मम्मी सुबह से बहुत ज्यादा गुस्सा है और रोटी ये बन रहा है। तो आज किचन से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा कहानी है बाकी। तो गाइस आज हंसते हंसते आप लोग का भी पेट फूल जाएगा। चलिए बस वीडियो को आगे लेके चलते हैं, मेरा वीडियो पूरा खराब कर दिए। ट्रेनिंग था तुम्हारा, कैमरा लेके घूम रहा है डाल देना तो आज इंस्टाग्राम पे डाल। आज के बाद से वीडियो छोड़ रहे हैं हम, देख लेना क्या। तो आज बन रहा है गाइस सेम का सब्जी और ये गाइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके लिए आज देखिए मेरे लिए रखा हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो गाइस आप लोगों को बताइए कि आप लोग के घर में मम्मी ऐसे ही सुनाते रहती है आजकल बहुत सुना रही है तो सुना नहीं, काम जो करता है उसको गुस्सा आता है। ये लोग वहां से लोग खाली खाने के लिए है, लोग तो खाना भी छोड़ दे लोग, ये वहां से लोग खाली अच्छा से खाना मिल जा रहा है, मस्ती में रह रहा है लोग। हमको करना पड़ रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आज मम्मी पूरा गुस्सा में है और अभी ये बोल रहे हैं क्या कि आलू डाल दीजिए तो चोखा बना दीजिए, तो चावल दाल भुजिया बन रहा है और रोटी बन रहा है तो उतना से नहीं होगा। आज जब हम बनाते हैं चटनी तब धनिया का चटनी बोल रहे हैं, तो हम जब बनाते हैं तो बोलते हैं कि चार खोल के काय बनाती हैं, एक एक खोल के बनाती हैं। तो आप बताइए मम्मी आज सुबह से आप क्या खाई हैं? कुछ भी नहीं खाया। झूठ थोड़ा मत बताइए। स्पॉन्ज खाया। कुछ भी नहीं खाया है लेकिन स्पॉन्ज खाया है। चाय तो चाय कुछ पीता है, चाय के थोड़ा गिनती होता है। तो आप लोग देख सकते हैं लोग कि सुबह सुबह सब कुछ बन गया है, बन रहा है और इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी मम्मी को कहीं जाना भी है। तो गाइस आप लोग बने रहिए देखने के लिए वीडियो और इसी तरह से आप लोग द नेक्स्ट डे। तो आज आइए आप मेरे किचन में, देखिए आज पुलाव बना रहे हैं तो सादा पुलाव बनाएंगे, ज़्यादा कुछ ही नहीं है और किसी को खिलाना है दो चार आदमी को इसीलिए बन रहा है। इतना सारा प्याज बन रहा है, इतना सारा प्याज है जो अभी भून रहा है और इस पर भी डलाएगा तो पुलाव पे क्या अच्छा लगता है आप लोग बताइएगा, क्या बन रहा है जब कीजिएगा। क्या डालेंगे
बताइए मम्मी क्या डाली है आप? इसमें घी डाले हैं सूजी और थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिए हैं ताकि ये खराब एकदम चावल अच्छा सा होना चाहिए पुलाव चिपके नहीं। हाँ चिपके रहे। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस आज बहुत ही ज्यादा मस्त चीज बन रहा है। तो आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है। तो आज बन रहा है बिरयानी नहीं सॉरी बिरयानी बन रहा है आज बन रहा है पुलाव। तो गाइस आप लोग देखते होंगे तो गेस्ट आने वाले हैं तो आप लोगों को गेस्ट के बारे में भी बाद में बताने वाले हैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लिए कितना मस्ती से बन रहा है। तो इसमें क्या है कि आज बन रहा है दो केजी ठीक है और मम्मी और इतना सारा गर्मी हो रहा है हमको तो ये पहले हम इसमें तजपत्ता डाल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं पड़ा है ये दालचीनी तो नहीं पड़ा था क्या दालचीनी है और ये बड़ा इलायची है और छोटा इलायची है और यहाँ पे लौंग है थोड़ा सा लौंग और काला मिर्च है सब और थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें जीरा भैया वो ये जीरा है थोड़ा सा डला गया और गैस जलाएंगे गैस ज़्यादा गर्म हो गया था हीट हो गया था इसलिए इसको बंद किया था। गैस ये एक लीटर पानी है तो इसको पहले हम हाफ डाल रहे हैं और ये एक के जी चावल था थोड़ा देर पहले धुल के रखे हैं बासमती चावल है ये भी डर लाएगा तुम्हारे बोलिए ये पानी डालते हैं इसमें एक लीटर चावल एक के जी चावल है तो एक लीटर पानी है ज्यादा पानी नहीं डालेंगे बस अब इसके बाद ढक्कन लगाएंगे। अब हो गया कुकर में बैठा थे लोग गाय रखे थे तब उस समय दाल बन रहा था तो जैसे पूजा बाहर निकली थी पहले कुकर ब्लास्ट किया और ऊपर जाके पूरा एकदम लग गया था इसमें ऐसे गोल कुकर का छाप फट गया था फिर मस्त पाइप से थोड़ी करके नहाए थे किचन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत लगा था और ब्लास्ट कर सारा गया था। सामान अंदर का बाहर सब बाहर फेंका गया था इतना तेज ब्लास्ट हुआ था कि तो याद रहता है हमको इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो चटकी रखना चाहिए मैंने जल्दीबाजी करना चाहिए नहीं तो अब कल गैस जैसे हुआ था उसे थोड़ा सा अगर डरते उड़ते तो पकड़ लेता पूरा याद। और गाइस आप लोगों को हम बता दें कि जो नेक्स्ट वीडियो का बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि वो है आप लोगों का मम्मी जो है कुछ बहुत ही खूबसूरत सा कान में का कुछ करती हैं ज्वेलरी उसमें दिखाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा कमेंट कीजिए कि हम लोगों को डालना चाहिए कि नहीं और बताइए कि बिरयानी कैसा लगा और उसी के साथ ये सब्जी का भी अगर रेसिपी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम लोग जो दिखाएंगे वो वाला जो होगा बहुत ही खूबसूरत है। तो बस वीडियो में बने रहिए अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय टेक केयर लव यू बाय बाय।